हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आप लोगों का अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ दोस्तों। चीनी से घर पर कैसे प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, क्या ये जो घरेलू उपाय तरीके बताए जाते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट करने के, क्या ये सही है या नहीं? तो दोस्तों आज का वीडियो कुछ इसी टॉपिक पर है। वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। उसमें से एक होता है दोस्तों बीटा एचसीजी लेवल। बीटा एचसीजी लेवल इंक्रीज होता है आपके बॉडी में, जिसके कारण आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है। अगर आप किसी किट से भी प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, अगर आपने देखा होगा जो प्रेगा न्यूज वगैरह आती है, आप उससे प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो उसमें आप अपने मॉर्निंग का यूरिन डालते हैं, वो आपके यूरिन का एचसीजी लेवल टेस्ट करता है, जिससे कि आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट आती है। अगर आपके यूरिन में एचसीजी का लेवल हाई होगा तो आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आएगा, अगर वो कम होगा तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आएगा। तो इसके पीछे का ये रीजन होता है। तो दोस्तों शुगर से कैसे आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते? देखिए दोस्तों, क्या होता है कि बहुत सारी महिलाएं जो ट्राई कर रही होती हैं प्रेग्नेंट होने के लिए, और हर महीने उनको बहुत कुछ सिम्टम दिखाई भी देते हैं, लेकिन फिर भी उनको डेट हो जाती है, तो वो हर महीने प्रेगा न्यूज खरीद कर नहीं ला सकती हैं। तो घर में कुछ एक दो ट्राई करते हैं कि चलो घरेलू तरीके से ही आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। तो शुगर से कैसे किया जाता है? देखिए दोस्तों, क्या होता है कि शुगर की जो क्वालिटी होती है वो घुलनशील होती है, कि अगर शुगर को आप किसी भी चीज में डालते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है। लेकिन दोस्तों जब आपका यूरिन, जो सुबह का यूरिन होता है जिसमें एचसीजी लेवल जिसका हाई होता है, उसमें शुगर नहीं घुलती है, एचसीजी लेवल शुगर को नहीं घुलने देता है। तो दोस्तों एचसीजी लेवल जब शुगर को नहीं घुलने देगा, इसका मतलब आप प्रेग्नेंट होते हैं, और अगर आपके यूरिन में शुगर घुल जाती है तो इसका मतलब आपकी जो प्रेगनेंसी का टेस्ट है वो नेगेटिव है। अब आपको इसको करना कैसे है? देखिए, आपको इसके लिए अपने मॉर्निंग का यूरिन लेना है। आप जो मॉर्निंग का यूरिन होता है दोस्तों, क्योंकि रात के समय से जब आप मॉर्निंग में यूरिन जाते हैं तो उस समय आपके शरीर में जो एचसीजी लेवल है आपके यूरिन में बहुत ज्यादा होता है। तो आपको यूरिन, आपका मॉर्निंग का फर्स्ट यूरिन लेना है, और एक बाउल में आपको साफ सुथरा बाउल लेना है, क्लीन सूखा हुआ। आप डिस्पोजेबल ग्लास ले सकते हैं, उसमें आप यूरिन लीजिए, और एक बाउल में आपको 2 से 3 चम्मच शुगर लेनी है। अब आपको क्या करना है, उस शुगर में यूरिन डाल दीजिए और 2 से 3 मिनट वेट कीजिए। अगर वो उसमें घुल जाती है तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि आपके ब्लड में एसिडिटी लेवल जो है आपके यूरिन में काफी कम है। और अगर वो मेल्ट नहीं होती है, उसके डले से बन जाते हैं, छोटे छोटे बॉल से बन जाते हैं, या फिर वो बिल्कुल नहीं घुलती है, तो इसका मतलब आपके यूरिन में एचसीजी का मात्रा जो है बहुत अधिक है और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। देखिए दोस्तों, ये कोई मिथ नहीं है ऐसा, ये नॉर्मल चीजें हैं, क्योंकि जब तक आप किट नहीं ला पा रहे हैं, या फिर आप हर महीने आपको ऐसा लगता है कि आपकी ड्यू डेट ऊपर नीचे हो जाती है पीरियड्स की, और आप घर में ही टेस्ट कर सकते हैं या नहीं, तो इन चीजों को अपना पक्कर आप घर में जरूर टेस्ट कर सकते हैं, ये आपके लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं। और जब आपको लगे कि इसमें पॉजिटिव आ रहा है तो उसके बाद आप चाहे तो क्लिनिकल टेस्ट करा सकते हैं, या थोड़े दिन और रुककर आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन उन सबके लिए भी आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपनी बॉडी में कुछ सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो दोस्तों ये था चीनी से घर में कैसे प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं उसके ऊपर छोटा सा वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू, नमस्कार।